नमस्कार दोस्तों, आइए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स हैं जो समझानी है कि आखिर वो क्या होती हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप ये भी सीखेंगे कि इनको कैसे ट्रीट करना है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव। आइए सबसे पहले देखते हैं भाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस या फिर स्क्रैप भी इसको हम बोलते हैं। देखिए, नॉर्मल लॉस इज़ द लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ भाई कि ये होगा ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल और प्रोसेस, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि आप उस लॉस से बच नहीं सकते, वो लॉस होगा ही होगा। जैसे मान लो कोई केमिकल है तो वो केमिकल उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है। तो और या फिर कोई केमिकल चेंज हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उस दौरान वो कुछ कम हो ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ उस खुद प्रोसेस की वजह से वो प्रोसेस ही ऐसा है या फिर वो मटेरियल ही ऐसा है, वो कुछ ना कुछ कम हो ही जाता है। सच अ लॉस इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के दौरान ये लॉस आपको होगा ही होगा। जैसे आप रेता है, कोयला है, भदरपुर है, सीमेंट है, ये जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता कहीं ना कहीं। इट इज़ कॉज्ड बाई फैक्टर्स, कुछ कारण हैं, कारक हैं जिसकी वजह से ये लॉस होता है। जैसे कि कोई केमिकल चेंज है, कोई उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। विड्रॉल फॉर टेस्ट, कुछ टेस्ट करने के लिए भी हम कुछ मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं कि टेस्ट करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं पहले। सैम्पलिंग करनी हो तो उसमें भी मटेरियल लग जाता है। अनअवॉइडेबल स्पॉइल्ड क्वांटिटीज़, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बर्बाद होती ही होती है। जैसे आप कुछ टमाटर वगैरह आप लेकर जाते हैं तो कुछ टमाटर तो ज़रूर फूट ही जाते हैं, कुछ अंडे हैं जो कि फूट ही जाते हैं। तो कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम बर्बाद हो ही जाता है। इसी तरह से कुछ प्रोसेस करते टाइम जो है वो बर्बाद हो ही जाता है, आप उससे बच नहीं सकते। इसकी ट्रीटमेंट क्या है भाई? नॉर्मल लॉस इज जनरली डिटरमाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं, कैलकुलेशन जो होता है, जैसे 2%, 5%, 7%, ऐसे इतना परसेंटेज किसका? इनपुट का। इनपुट मतलब जो शुरू में हमने मटेरियल लगाया। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज़ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन विच इट अकर्स। जिस प्रोसेस के दौरान वो लॉस हुआ है उस प्रोसेस की कॉस्ट में उसे जोड़ दिया जाता है, लॉस को कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। द स्क्रैप में बी सोल्ड एट सम प्राइस। स्क्रैप क्या होता है? कबाड़ा, जिसे आप कबाड़ी को बेच सकते हैं। तो इसकी भी कुछ ना कीमत होती है। इफ़ नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैव एनी रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू, अगर उस स्क्रैप की, अगर उस कबाड़े की, उस बचे कुचे कतरन वगैरह जो भी बचा है, अगर उसकी कुछ रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू है, मतलब अगर आप उसे बेच सकते हैं, उसकी कुछ थोड़ी बहुत सी भी कुछ कीमत है, तो द प्रोसेस अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाय दैट अमाउंट। तो जो प्रोसेस अकाउंट होता है, जैसे ये है हमारा प्रोसेस अकाउंट, तो इसका ये जो क्रेडिट साइड होती है, फिर उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है सारी वो मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। अब देखते हैं नॉर्मल वेस्टेज क्या है। ऊपर हमने पढ़ा नॉर्मल लॉस और अब है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल लॉस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। एक छोटा सा डिफरेंस है, वही आपको समझना है। नॉर्मल वेस्टेज इज़ द पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। बिल्कुल पहले जैसा ही है कि प्रोसेसिंग के दौरान कुछ पोर्शन होगा जो वेस्ट हो जाएगा। हैविंग नो रिकवरेबल वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट है। जो नॉर्मल लॉस है, जिसे हम स्क्रैप भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी उसे बेच के हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, चाहे कम मिले, बहुत कम मिले,
लेकिन हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो वेस्टेज है उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो हमारे पास रहता ही नहीं है ताकि हम उसे बेच पाएं। वेस्ट में अकर ड्यू टू इवेपोरेशन, हो सकता है भाप बन के उड़ जाए। जब भाप बन के उड़ जाएगा तो हम उसे किसी को बेचेंगे क्या? ब्रेकिंग द बल्क, हमने एक क्वांटिटी के अंदर माल खरीदा और उसके अंदर कुछ माल जो है वो कम ही आ जाता है। लोडिंग करते टाइम, माल अनलोडिंग करते टाइम, माल चढ़ाते वक्त, माल उतारते वक्त कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोयला, रेता, बदरपुर सीमेंट, इस तरह से लीकेज हो जाती है कई बार, तब वो हमारे पास से चला जाता है। इनएफिशिएंट हैंडलिंग, आपने हैंडलिंग ठीक से नहीं की, लापरवाही करी, उसकी वजह से कुछ मटेरियल गिर गया या जल गया या कुछ भी हो गया। इट मे बी विजिबल और इनविजिबल, ये विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? गैस, डस्ट, डस्ट मतलब जो जैसे धूल होती है, किसी भी चीज़ का बुरादा होता है, स्मोक, अनसेलेबल रेजिड्यूज़, अनसेलेबल रेजिड्यूज़ बचा कुचा माल जिसे अब आप बेच भी नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को जो है बिक सके, कोई कोई ऐसा भी होता है जिसको आप बेच भी नहीं सकते। तो फिर कंपनीज क्या करती हैं, उसको नदियों में डाल देती हैं। आप जानते ही हैं नदियों में बहुत सारा केमिकल और गंदा पानी वगैरह सब वो डिस्पोज करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ट्रीटमेंट क्या करना है? सिंस सच अ वेस्टेज इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये जो वेस्टेज होता है ये फिजिकली हमारे हाथ में होता नहीं है। ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैव वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इसलिए फॉर नॉर्मल वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम ब्रेकरेज, इवेपोरेशन, डेट्रियोरेशन मतलब ख़राब होना, श्रिंकेज यानी सिकुड़ जाना इन प्रोडक्शन, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गुड प्रोडक्ट्स। तो अब इसकी जो कॉस्ट है, इस लॉस की जो कॉस्ट है, उसको किस में डाल देते हैं, किस में जोड़ देते हैं? जो गुड आउटपुट है, यानी जो अच्छा माल बन गया है बिना किसी डिफेक्ट के, जो अच्छा खासा माल बन गया है, उसकी कॉस्ट में इस लॉस की कॉस्ट को हम डाल देते हैं। द ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? नॉर्मल लॉसेज शुड बी बॉर्न बाय गुड आउटपुट, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो नॉर्मल लॉस है वो गुड आउटपुट के द्वारा वहन करना चाहिए, यानी कि जो भी नॉर्मल लॉसेज हुए हैं उसकी कॉस्ट डाल देनी चाहिए किस पर? जो अच्छा माल बन के तैयार हो गया है। तो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज, इन दोनों में जो एक मेन डिफरेंस है वो है उनकी सेलेबल वैल्यू का। नॉर्मल लॉस या स्क्रैप होता है जिसे आप बेच सकते हैं, उसकी कुछ वैल्यू होती है, और नॉर्मल वेस्टेज वो है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप इसे बेच नहीं पाते। अब क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में कई बार ये दोनों दिए होते हैं, ध्यान से सुनिए बात मेरी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिया है तो फिर आप उसको नॉर्मल लॉस बोल लें या नॉर्मल वेस्टेज बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हैं तो जो नॉर्मल लॉस है उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी और नॉर्मल वेस्टेज की कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। इस बात को आप दो तीन बार सुनिए। आइए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है अगला एबनॉर्मल लॉस। दिस टाइप ऑफ लॉस कंसिस्ट ऑफ लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस। भाई ये भी एक लॉस है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये हुआ जी इंसान की लापरवाही की वजह से। मशीन खराब हो गई, मशीन की खराबी की वजह से कोई दुर्घटना हो गई, आपने खराब मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करा आदि, इन कारणों की वजह से। मतलब ये जो कारण है ये नॉर्मल कारण नहीं है, ये एबनॉर्मल कारण है, सारे के सारे इंसान की गलती या लापरवाही की वजह से होता है ये सब। दस इट अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स, इसलिए ये एबनॉर्मल फैक्टर्स की वजह से होता है। एंड रिप्रेजेंट्स अ लॉस, और फिर उसकी वजह से एक लॉस होता है विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। और ये जो लॉस होता है ये नॉर्मल लॉस के बाद वाला लॉस है, ये नॉर्मल लॉस के ऊपर वाला लॉस है। यानी नॉर्मल लॉस तो अलग है, नॉर्मल लॉस तो वो है कि जो होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो है जिसे जो आपकी लापरवाही से होता है, अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो ये होगा नहीं। अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं, नॉर्मल
एंड एबनॉर्मल लॉस दोनों के अलग अलग होते हैं इनके ट्रीटमेंट। ये कह रहा है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होती है। तो फिर अब पढ़ते हैं भाई ट्रीटमेंट क्या है एबनॉर्मल लॉस की। देखिए, अनलाइक नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय गुड प्रोडक्शन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो नॉर्मल लॉस का खर्चा होगा उसे हम जो अच्छा माल बन गया है उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस के केस में ऐसा नहीं होता है, रादर इट इज़ ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। बल्कि इसका जो लॉस है इसको अलग से हम कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि ये गलती की वजह से हुआ, इंसान की गलती की वजह से। दिस इज़ बिकॉज इफ़ द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस वर टू फॉल अपॉन द गुड प्रोडक्शन, अगर हम इसकी जो कॉस्ट है उसको गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ देंगे, द कॉस्ट देयर ऑफ विल फ्लक्चुएट, तो जो कॉस्ट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाएगी, यानी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वुड बी मिसलीडिंग, और इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन बनेगी वो गलत होगी, वो सही आधार प्रस्तुत नहीं करेगी। तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो लॉस है, उसको आप अलग ही शो करिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो ये अलग से दिखाना चाहिए कि आपकी गलती की वजह से कितना लॉस हुआ है। अब इसका हम देख लेते हैं कि भाई आखिर ट्रीटमेंट क्या है। आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना बना है, ये उसके बाद ही होता है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट इन द प्रोसेस, फिर आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। दिस इज़ डन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये फार्मूला आपके पास है। आप टोटल कॉस्ट ले लीजिए। देखिए इसके अंदर होता क्या है, इस तरह से ये आपका अकाउंट बनता है। ये होते हैं यूनिट्स, और फिर ये होता है उसका अमाउंट। ये डेबिट साइड में होता है और ये क्रेडिट साइड में होता है। फिर यूनिट्स होते हैं क्रेडिट साइड में, और फिर ये इसके अमाउंट्स होते हैं। जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है वो मैंने नहीं बताया, तो अभी सिर्फ आपको ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगी, टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस आप लिख लीजिए, माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू। नॉर्मल लॉस की वैल्यू कहाँ पर होगी, नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पर होगी, वो लिख लीजिए। यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स बनाए, कितने यूनिट्स बनाए हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर होगा टोटल यूनिट्स, वो यूनिट्स आप ले लीजिए, ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, एक ही बात है, टोटल यूनिट्स ये हो जाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है। नॉर्मल लॉस यूनिट्स, नॉर्मल लॉस यूनिट्स क्या हुए, वो नॉर्मल लॉस यूनिट्स ये हुए। तो इस तरह हम टोटल अमाउंट से नॉर्मल लॉस का अमाउंट और टोटल यूनिट से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करते हैं, इससे मिल जाता है कॉस्ट पर यूनिट। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले से तो हमें मिलेगी कॉस्ट पर यूनिट, अभी से आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको उसी की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट के साथ। अगला हम देखें इसके अंदर क्या आ रहा है, क्रेडिट द रेलिवेंट प्रोसेस अकाउंट विद द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब वहीं क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर उसके यूनिट्स भी लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस के, और उसका अमाउंट भी लिख देंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास है। द बैलेंस फिगर इन द प्रोसेस अकाउंट इज कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। अब इसका हम करेंगे बैलेंस, बैलेंस करेंगे तो हमें ये वाले यूनिट्स मिल जाएंगे और ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगा कि उस प्रोसेस के अंदर हमने अच्छा माल कितना बनाया। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग कॉस्ट पर यूनिट विद द नंबर ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस, और इसे आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, बाकी ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में बहुत आसान लगेंगी। ओपन, अब एक अकाउंट खोलना है आपको, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोलेंगे एंड डेबिट इट विद द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस शोन इन द प्रोसेस अकाउंट। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री थी यूनिट और अमाउंट वाली, अब इसके लिए जब आप बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्या होगा, अब ये तो अभी तक क्रेडिट में थी, फिर ये चली जाएगी यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर।
तो ये कह रहा है सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एबनॉर्मल लॉस आर क्रेडिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब इसके बाद और इसके अंदर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर आती है सेल वाली एंट्री कि ये जो एबनॉर्मल लॉस वाले ये यूनिट थे इसे आपने जो बेचा और इसको बेचेंगे किस पर, ध्यान से सुनिए, उसी पर बेचेंगे जो स्क्रैप वाला बेचने का रेट था, यानी जिस रेट पर हमने नॉर्मल लॉस के यूनिट बेचे थे उसी रेट पर हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट भी बेचेंगे। तो फिर यानी एक अमाउंट हमारे पास यहाँ आ गया, एक अमाउंट हमारे पास यहाँ आ गया, अब इसका बैलेंस करेंगे। एनी बैलेंस लेफ्ट इन द अकाउंट इज नेट लॉस, यहाँ पर एक अब बैलेंस आएगा जो कि क्या होगा, नेट लॉस होगा। ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, ये जाएगा कॉस्टिंग के पी एंड एल अकाउंट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब आखिरी चीज़ एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिव। देखिए द एक्चुअल लॉस मे बी ग्रेटर और लेस देन द नॉर्मल लॉस। दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो हो गया एक्चुअल लॉस और एक हो गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया भाई, हम जानते हैं इतना तो लॉस होना ही होना है, लेकिन फिर एक दूसरा है कि असल में कितना हुआ। नॉर्मली इतना लॉस तो होता है लेकिन असल में कितना हुआ, एक्चुअली कितना हुआ, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इफ़ द एक्चुअल लॉस इज़ ग्रेटर देन द नॉर्मल लॉस, यानी अगर एक्चुअल लॉस ज़्यादा है, मतलब जितना लॉस होता ही है उससे ज़्यादा लॉस हो गया है, इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल लॉस, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। बट इफ़ एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन द नॉर्मल लॉस, लेकिन जितना लॉस होता है जनरली उससे कम लॉस हुआ है असल में, तो क्या, फिर इसको हम कहेंगे गेन। देखिए लॉस तो हुआ है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, हम उसे लॉस को भी हम गेन की बोल रहे हैं भाई। जनरली ये पता 5 किलो का लॉस होना है, 5 किलो का लॉस नहीं हुआ, 4 किलो का लॉस हो गया, तो 1 किलो बच गया, उस 1 किलो को कहेंगे गेन। जैसे आप किसी काम कराने के लिए जाते हैं कहीं किसी सरकारी दफ्तर में और आपको कहते हैं भाई वहाँ पे आपकी रिश्वत लगेगी 10,000 रुपये, आप रिश्वत के 10,000 रुपये लेके चले गए, लेकिन वहाँ पर कोई नया बंदा बैठा था ऑफिसर, उसे पता नहीं था रेट वेट का, और 8,000 में वो मान गया, तो 2,000 रुपये बच गए ना आपके, तो आप क्या कहेंगे, मेरे 2,000 रुपये बच गए, मेरे को फ़ायदा हो गया 2,000 का। बस वही कॉन्सेप्ट है ये। अगेन इज ऑब्टेंड विच इज़ टर्म्ड एज एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव, और ये जो आपका बच गया ना इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिव। अब जैसे हमने अभी एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया, सेम बनेगा एबनॉर्मल इफेक्टिव का, बस जो साइड है ना साइड उल्टी हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इज़ कैलकुलेटेड इन अ मैनर सिमिलर टू एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन जिस तरीके से होती है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट और अमाउंट की, उसी तरीके से होगी एबनॉर्मल गेन के लिए। इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड में दिखाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको कहाँ दिखाया जाता है, ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अब ये दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस के डेबिट में दिखाएंगे, एंड क्रेडिट साइड ऑफ द एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है जी। ये देखो ये मैंने आपको क्या दिखाया था, ये था आपका प्रोसेस अकाउंट, इसमें ये कहाँ आ रहा था एबनॉर्मल लॉस, यहाँ आ रहा था क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर ये गेन होगा तो ये डेबिट में आएगा। इसी तरह से ये डेबिट्स, ये क्रेडिट साइड से डेबिट में गया था, वो डेबिट साइड से क्रेडिट में आ जाएगा अगर होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है जी। लाइक एबनॉर्मल लॉस इट इज़ अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, और जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है इसी तरह से एबनॉर्मल गेन भी कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 4 टर्म आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, और जो फॉर्मेट वाली वीडियो है उसके साथ में देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।